नमस्कार। 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया। अब महाराष्ट्र ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। महाराष्ट्र ने 3 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है। इस आंकड़े के साथ ही महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस आंकड़े को पार कर लिया है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन वाला राज्य बना हुआ है। महाराष्ट्र के इस वैक्सीनेशन ने देश भर में लोगों को बड़ी राहत दी है। कोरोना संक्रमण के दौर में महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल था जहां कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज़्यादा थे। महाराष्ट्र धीरे धीरे न सिर्फ कोरोना संक्रमण के मामलों से निपटने में सफल रहा बल्कि अब वैक्सीनेशन के मामले में दूसरे राज्यों से आगे निकल गया है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन की कमी की खबरें भी सामने आई थी। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने चिट्ठी लिखी थी। इस वक्त वैक्सीनेशन की उपलब्धता पर नज़र डालें तो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 107.22 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ महाराष्ट्र ने अपनी लड़ाई तेज की है। वैक्सीनेशन की रफ्तार पर पूरा ध्यान दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बड़ी उपलब्धि करार देते हुए जानकारी दी कि महाराष्ट्र ने 3 करोड़ पूर्व टीकाकरण वाले नागरिकों का मील का पत्थर पार कर लिया। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यूपी में अब तक 12.21 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इसमें से 2.78 करोड़ की दूसरी खुराक है। वहीं दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेन की बात करें तो लोकल ट्रेन में भी अब धीरे धीरे अनुमति मिलना स्टार्ट हो गया है। अब 2 डोज वाले को अनुमति मिलना शुरू कर दिया गया। वहीं अब पूरी क्षमता के साथ लोकल ट्रेन मुंबई में चल रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल महाराष्ट्र मुंबई, और मुंबई लोकल ट्रेन की सभी ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।